आज हम स्विचिस लव आई डू नॉट गो, ये जॉन डन के द्वारा लिखी गई है, इस पोएम को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जॉन डन के बारे में हम जान लेते हैं। जॉन डन जो हैं एक नई तरह की लिरिकल और सैट्रिकल पोइट्री के अगुआ हैं, अग्रदूत हैं। यानी इन्होंने एक नया ट्रेंड शुरू किया पोइट्री में, जिसे हम मेटाफिजिकल के नाम से जानते हैं। मेटाफिजिकल का अर्थ होता है मेटा का अर्थ बाहर और फिजिकल जो भौतिक ना हो, यानी हमारी सोच से भी कभी कभी परे जो हो वो मेटाफिजिकल होता है, यानी बियॉन्ड दिस असमान। इसमें इन्होंने जो एग्जांपल्स लिए हैं वो असमान एग्जांपल्स लिए हैं इस तरह की पोइट्री में। इसके हम कुछ मिसाल देखते हैं। इनकी एक पोएम है द सन राइजिंग। इस पोएम में वह कहते हैं, ए ढीठ सूर्य, तुम क्यों इस ढंग से खिड़कियों पर्दों से होकर हमसे मिलने का प्रयत्न कर रहे हो। सुबह का वक्त होता है और सूरज निकलता है और इनके खिड़की से उसकी रोशनी जाती है, जिसकी वजह से यह गुस्सा हो जाते हैं और सूरज को जो है वह डांटते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम जाकर उन्हें जगाओ जिन्हें जागने की ज़रूरत है, हमें डिस्टर्ब ना करो। और भी इनकी काफ़ी मिसालें मिलती हैं जॉन डन की। दूसरी उनकी एक पोएम है द ब्लूसम, जिसमें वह एक फूल को कहते हैं कि तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हें पिछले 6 या 7 दिनों से ध्यानपूर्वक देख रहा हूँ और मैंने देखा है कि कैसे तुम उत्पन्न हुए थे और कैसे तुमने बढ़ना जारी रखा था। अब तुम एक पूरी तरह से विकसित पौधे के रूप में हो गए हो और तुम अपनी खुशियां जो है प्रकट कर रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम जल्दी नष्ट हो जाओगे और कल जब मैं तुम्हें देखने के लिए आऊँगा तो मुझे तुम पराजित सी मुद्रा में मिलोगे। यहाँ पे भी हम एक मिसाल देखते हैं। एक दूसरी पोएम है उनकी द कैनोनाइजेशन, उसमें वह जो है अपने बिलोविड को कहते हैं कि तुम्हारी आँखों के शीशे में, यानी आँखों की जो पुतली है उस वह जो है बिल्कुल दर्पण के समान था और उसमें देश नगर राज दरबार पूरा जो विश्व है उसका प्रतिबिंब जो है वह दिखता है। एक और पोएम उनकी है वेल्डिकेशन ऑफ वीपिंग, जिसमें वह आंसू की तुलना जो है आकाश से वर्षा जो गिरती है उससे करते हैं और कहते हैं कि यह अगर आंसू गिरेंगे तो पूरी संसार में फैल जाएंगे और संसार में जितने लोग हैं वो इसमें डूब जाएंगे, तो बेहतर यह है कि तुम ना रो। एक और उनकी पोएम है जिसमें वह जो है अपने प्रेमिका को ये सांत्वना देते हैं कि हम और तुम जो है कंपास की तरह हैं और एक कंपास का किनारा तुम हो और एक मैं हूँ, मैं चाहे कितना भी दूर चला जाऊँ लेकिन हम जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिले हुए हैं। ओके, तो इस तरह के जो फ्लेवर्स हैं ये जॉन डन की पोइट्री में है और इसी तरह की पोइट्री को मेटाफिजिकल कहते हैं। यहाँ पे सैटिरिकल का जो अर्थ है कमेंट करना, सटायर करना। इनका जन्म लंदन में एक बहुत ही अमीर धनी परिवार में हुआ था जो व्यापारियों के परिवार से थे और ये रोमन कैथोलिक थे। रोमन कैथोलिक जो क्रिश्चियंस होते हैं वो भी 2 डिवीज़न में बटे होते हैं, एक प्रोटेस्टेंट और एक कैथोलिक, और ये कैथोलिक जो होते हैं थोड़ा ऑर्थोडॉक्स होते हैं, पुराने ख्यालों के होते हैं। और उस वक्त जो इंग्लैंड था वो पूरी तरह से एंटी कैथोलिक था, यानी प्रोटेस्टेंट था। एंटी कैथोलिक यानी कैथोलिक लोगों के लिए वहाँ काफ़ी परेशानी थी। ओके, जिसकी वजह से इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा और ये बिना डिग्री लिए हुए सिर्फ अपने रिलीजन की वजह से, धर्म की वजह से इनको बाध्य होना पड़ा अपनी पढ़ाई को छोड़ने के लिए। फिर इन्होंने क्या किया, लॉ की पढ़ाई की और इन्होंने जो है धर्मशास्त्र की भी पढ़ाई की। ओके, इन्होंने 2 नौसैनिक अभियान में भी हिस्सा लिया और फिर ये जो है एक सेक्रेटरी भी बने, एक बहुत पावरफुल जो नोबल थे कुलीन एक व्यक्ति था उनके जो है यह बने। ओके, और थोड़े समय के लिए इन्हें जेल भी जाना पड़ा क्योंकि इन्होंने चुपके से, इनका जो संरक्षण करने वाला जो था उसकी भतीजी से इन्होंने शादी कर ली थी इसकी वजह से। और इन 1615 ईस्वी में 42 साल की उम्र में इन्होंने जो है ऑर्डिनेशन लिया एंग्लिकन चर्च में। ऑर्डिनेशन जो होता है इसका अर्थ होता है किसी व्यक्ति को अगर चर्च का पुरोहित बनाया जाए तो उसके लिए कुछ अनुष्ठान होते हैं, तो इन्होंने इस उम्र में की थी। और यह सबसे बड़े जो है उपदेशक
अपने समय के सबसे बड़े उपदेशक बने। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इनकी जो लव पोएम है, उस पोएम में इन्होंने पूरी तरह से पेट्रार्कन जो ट्रेडिशन है, परंपरा है, पेट्रार्क जो है एक पोएट है, बहुत ही फेमस पोएट है, उसकी जो लिखने का ढंग था उसको बिल्कुल छोड़ कर इन्होंने कम्प्लीटली एक अलग तरह से लिखना शुरू किया। ओके, और इन्होंने जो इस्तेमाल किया वह एक ऐसी बोली का इस्तेमाल किया जो बोलचाल में प्रयुक्त होती है, जिसे हम कोलोकियल टोन कहते हैं, बोलचाल में भाषा, लेकिन लिखने में वह इस्तेमाल नहीं होती। और पूरी तरह से इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं, जो बौद्धिक लोग हैं, जो बहुत ही पढ़े लिखे लोग हैं, वो लोग भी इस्तेमाल करते हैं। ओके, इनके जो कुछ फेमस वर्क हैं जिसमें सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, सोनेट्स जो होता है वो 14 लाइन की पोएम होती है। ओके, और सेटायर्स, व्यंग, कमेंट और एलेजिस, शोक गीत जिसको कहते हैं किसी के मरने पर, और सरमन जो है उपदेश हैं। इनके पोएम के अंदर जो पोएटिक फीलिंग्स जो आती है वो बिल्कुल जेन्युइन होती है। ओके, और मीटर्स जो होते हैं, पोएम जो है एक मीटर को लेकर चलती हैं, और वह मीटर हम इसको बिल्कुल आसानी से इस लेवल पे समझ सकते हैं, जैसे कुछ म्यूजिक लय होना, और बिल्कुल लय जो है मिठास होना, लेकिन एक लय जो होना बिल्कुल मीठा नहीं होना, वो कान को अच्छा नहीं लगे, तो वह हार्श मीटर हो गया। यानी वह लय जो है वो बिल्कुल मीठा नहीं है, हार्श है, कड़ा है। ओके, और असमान इमेजेस, ऐसे ऐसे इमेजेस को उन्होंने जो है जाहिर किया है, लिखा है, उनके क्रिएशन की जो है यह विशेषताएं हमने वह इमेजेस कुछ देखे हैं, कैसे उन्होंने आंसू से ग्लोब की तुलना की है। ओके, और कंपास का कैसे, और कैसे वो सन को, यानी तरह तरह के इमेज जो है उनके पोएम में मिलेगी, और वो सारे इमेज जो होंगे वह असमान होंगे, वह फैमिलियर नहीं होंगे, अनफैमिलियर होंगे, और वह इसी तरह की पोइट्री जो है मेटाफिजिकल पोइट्री कहलाती है, जो जॉन डन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट, इस पोएम को शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स हम देख लेते हैं इस पोएम से रिलेटेड। पहला जो है स्वीटेस्ट लव, इस पोएम का नाम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है। यह इनकी वन ऑफ द बेस्ट लव सॉन्ग ऑफ जॉन डन, इनकी बहुत ही अच्छी जो है वह लव सॉन्ग है। ओके, और यह पोएम जो है एड्रेस किया गया है उनकी वाइफ एन को, उनकी जो वाइफ थी एन, और जिस समय वह जो है यूरोप के लिए, यानी दूसरी जगह के लिए, वैसे ये इंग्लैंड के हैं तो यूरोप में ही इंग्लैंड है, किसी दूसरी जगह जाने के वक्त जो है वो डिपार्चर के वक्त जो है यह अपने वाइफ को एड्रेस करते हैं, और यह पूरी तरह से जो है इसमें वैवाहिक जो है खिंचाव, प्रेम का खिंचाव इसमें दिखाई देता है, और डन का जो प्रेम जो है अपने वाइफ के प्रति भी इसमें पूरी तरह से जाहिर होता है। ओके, और यह पोएम बताता है कि जॉन डन जो है वह सिर्फ एक सिनिकल पोइट नहीं है, किसी का निंदा करने वाले या रूखा या सैट्रिकल नहीं है, लेकिन उनके अंदर जो ये भी कैपेसिटी है कि वह डीप लव और पूरे अफेक्शन को बता सकें, जाहिर कर सकें। ओके, यहाँ पे जब पोएम शुरू होती है तो शुरू होते ही वह इमोशनल सिचुएशन में आ जाती है, बहुत ही बिगनिंग में पोएम में जो है इमोशंस आ जाता है, क्योंकि पोएट जो है वह अब्रोड बाहर जा रहा होता है, और उसकी जो प्रेमिका है या वाइफ जो है उसका हृदय टूट चुका है, और वह शोक मनाती है अपने प्रेमी के सेपरेशन में, अलगाव या जुदाई को लेकर। जो पोएट है उन्हें कंसोल करता है कि उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें विलाप करने की ज़रूरत नहीं है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये जॉन डन के द्वारा लिखी गई है, और स्टेंजा वन है। ये पूरे पोएम में पांच स्टेंजाज हैं, और स्टेंजा का अर्थ ये होता है कि कुछ लाइंस एक स्टेंजा में होते हैं, यानी डिवीजन ऑफ पोएम जो है कुछ लाइंस में होते हैं, उन्हें एक स्टेंजा कहते हैं, और ये पांच स्टेंजा है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरीनेस ऑफ दी,
यहाँ पे पहले ही लाइन में जो पोएट हैं अपने प्रेमिका को या अपने वाइफ को स्वीटेस्ट लव कह के संबोधित करते हैं और कहते हैं कि मैं इसलिए नहीं जा रहा कि मैं तुमसे थक चुका हूँ, उब चुका हूँ। यहाँ पे जी ओ ई और वियरीनेस, दी और मी, ये सारे जो हैं ओल्ड फॉर्म ऑफ रिटेन वर्ड्स के रिटेन फॉर्म हैं, इन्हें हम आर्केइक वर्ड्स कहते हैं। अब जो है मॉडर्न इंग्लिश में ये स्पेलिंग चेंज हो चुकी है, जी ओ ई की जगह जी ओ गो इस्तेमाल होता है। तो मैं थक चुका हूँ इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ और ना ही मैं इस उम्मीद में जा रहा हूँ कि ये जो वर्ल्ड है मुझे एक तुमसे अच्छा जो है वह प्रेमिका मुझे दे दे, या मैं एक तुमसे अच्छे प्रेमिका की तलाश में नहीं जा रहा हूँ या वर्ल्ड में ढूंढने नहीं जा रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में बट सिंस डैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, लेकिन लेकिन आगे जो है कभी कहते हैं वह उसे बताते हैं कि एक दिन वह मर जाएगा और उसकी मृत्यु के बाद दोनों के बीच जो है वह अलगाव होगा। यहाँ पे टीस बेस्ड, टीस यानी इट इज, यह इट इज है, इट इज बेस्ड, यह अच्छा होगा टू यूज माय सेल्फ इन जेस्ट। ओके, क्योंकि जब वह मर जाएगा तो उनके बीच में अलगाव होगा, अतः मृत्यु के बाद जो अलगाव का दुख होगा उसको सहने के लिए वह प्रेमिका को जो है वह अभ्यस्त बनाने के लिए वह उससे अस्थायी रूप से दूर जा रहे हैं और उसे जो है यह सोचना चाहिए कि यह मृत्यु जो है, ओके, यह जो मृत्यु है यानी क्षणिक मृत्यु है जो ऐसा वह सोचे, यह कुछ समय के लिए है और यह पूरी तरह से जो है प्रेमिका को अभ्यस्त करेगा कि अगर वह सच में मर जाए तो उसे दुख ना होगा और वह उस वक्त जो है इस चीज़ को बर्दाश्त कर ले। नेक्स्ट स्टेंजा में चलते हैं। यहाँ पे जो कुछ नोट्स हैं आप चाहें तो यहाँ से आप पॉज करके लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो स्टेंजा है, यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, कल शाम में जो है जो सूरज जो है वह अस्त हो गया था और फिर जो है आज यहाँ पर है। यहाँ सन की स्पेलिंग भी आर्केइक है। ओके, उसके पास ना कोई डिजायर है, इच्छा है, ना ही उसके पास कोई सेंस है और ना ही उसकी जो दूरी है वह कम है, वह काफ़ी दूरी है, नोर हाफ सो शॉर्ट अ वे, उसकी जो दूरी है वह कम नहीं है, उसकी दूरी काफ़ी है। ओके, वह काफ़ी दूर जो है उसे जाना होता है। ओके, देन फियर नॉट मी, तब मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सूरज जो है कल गया था और आज फिर आ चुका है और उसकी दूरी जो है बहुत बड़ी है, जबकि मेरी जो दूरी है वह काफ़ी मैं कम दूर जा रहा हूँ इस सूरज की अपेक्षा। ये सूरज से कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि सूरज की अपेक्षा मैं कम दूर जा रहा हूँ और सूरज के पास तो कोई इच्छा भी नहीं है, कोई सेंस भी नहीं है, लेकिन मेरे पास तो तुम्हारा प्रेम है, इसकी वजह से मैं रिटर्न जरूर आऊँगा। बट बिलीव डैट आई शैल मेक ए स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स, मेरे पास बहुत विंग्स ऑफ लव यानी प्रेम की जो है पंखे हैं मेरे पास और स्पर देन ही सूरज के अपेक्षा मेरे पास जो है आकांक्षा है, प्रेम है, जिसकी वजह से मैं सूरज से तेजी से तुम्हारे पास आऊँगा। ओके, इस दूसरे स्टेंजा में कवि जो है अपने प्रेमिका से ये कहते हैं कि कल शाम जो सूरज अस्त हो गया था परंतु इस संसार में वापस आने के लिए ना ही उसके पास कोई इच्छा है और ना ही उसके पास कोई उद्देश्य है, यह तो सिर्फ एक यांत्रिक कार्य है और उसके द्वारा प्रारंभ की गई यात्रा जो है, कवि द्वारा आरंभ की गई यात्रा की अपेक्षा बहुत अधिक लंबी है। वह अपनी प्रेमिका से यात्रा से उसकी वापसी के बारे में चिंतित न होने के लिए कह रहा है और वह उसे आश्वस्त भी करता है कि वह सूरज की अपेक्षा अधिक तेजी से वापस लौट आएगा, क्योंकि कभी सूरज की अपेक्षा अधिक तेजी से वापस आने के लिए प्रेम के पंख और इच्छा है, क्योंकि सूरज के पास ना तो इस प्रकार के इच्छा है और ना ही इस प्रकार के पंख हैं। ओके, स्टेंजा थर्ड में चलते हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं आप लिख सकते हैं। तीसरे स्टेंजा में कवि जो है अपने प्रेमिका से कहता है वो हाउ फीबल इज मैंस पावर, मनुष्य की जो शक्ति है कितनी कमज़ोर है या कितना निर्बल मनुष्य है, डैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, कि अगर
उसका भाग जो है उसका साथ दे। यहाँ फॉल का दो सेंस निकलता है, एक फॉल का अर्थ यहाँ पे आना भी होता है, एक गिरना या चले जाना भी होता है, और ज़्यादा जो क्रिटिक हैं वो फॉल का अर्थ जो है वह आना ही लगाते हैं, इसलिए आना के इंटरप्रटेशन में मैं इसे जो इंटरप्रेट कर रहा हूँ। ओके, कि अगर उसका अच्छा वक्त आ जाए, ही कैन नॉट एड इन अदर आवर्स, उसमें वह चाहे कि कुछ और पल जोड़ ले, कुछ और घंटा जोड़ ले, तो वह नहीं जोड़ सकता है। नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना ही बीते हुए समय को वह बुला सकता है। बट कम बैड चांस, लेकिन जब बुरा वक्त आता है एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, हमारी जो शक्ति होती है इसमें इस विपत्ति को हम जोड़ लेते हैं, यानी इस बुरे वक्त को जो है जोड़ लेते हैं, जिसकी इसकी शक्ति बढ़ जाती है, वृद्धि हो जाती है बुरे वक्त का। एंड वी टीच इट एट आर्ट एंड लेंथ, और हम जो है यह महानता का पाठ जो है पढ़ाते हैं। इट सेल्फ ओवर अस, यह विपत्ति जो है हमारे ऊपर टू एडवांस बढ़ती रहती है। यहाँ पे जो है कवि यह अपने प्रेमिका को ये समझा रहे हैं कि अगर तुम इस तरह से सोचोगी तो तुम्हारा प्रॉब्लम जो है और बढ़ जाएगा। इसे फेस करना सीखो, फेस करने से कोई भी प्रॉब्लम कम होती है। जितने किसी विपत्ति के बारे में हम सोचते हैं उसमें और हम घिर जाते हैं, और यह जो है हमें आगे बढ़ने का समय है, ना कि हमारा जो यह जो विपत्ति है यह तुम्हें घेर ले और तुम्हें सोचने पे मजबूर करे और तुम्हारे परेशानी को और बढ़ाए। तो ये स्टेंजा 3 में ये कहना चाह रहे हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। इस स्टेंजा में कवि यह कहता है कि जब वह आहें भरती है, वह सिर्फ हवा का झोंका नहीं होता है, बल्कि मेरा जो हृदय है, मेरी जो आत्मा है, वह उसे उड़ा ले जाती है। ओके, और जब तुम रोती हो तो यह अनकाइंडली काइंड, यहाँ पे अनकाइंडली काइंड का इस्तेमाल जो है कवि इसलिए करता है क्योंकि काइंड जो वो है, काइंड का अर्थ है दयालु, और यह उसकी प्रेमिका है और इससे प्रेम करती है, इसलिए यहाँ पे काइंड इस्तेमाल किया। लेकिन अनकाइंड इसलिए इस्तेमाल कर रहा है कवि क्योंकि जब वह रो रही है तो माय लाइफ्स ब्लड, मेरे जीवन का जो ब्लड है, खून है या रुधिर है, वह डिग के बर्बाद हो जाता है। यहाँ पे डज, ये डी ओ टी एच का मतलब हुआ डी ओ ई एस, डज। ओके, तो मेरा जो शरीर जो है वह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, तो इसलिए अनकाइंडली काइंड कहता है। काइंड प्रेम करती है, और अनकाइंडली क्योंकि उसके रोने की वजह से जो पोएट का ब्लड है वह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। इट कैन नॉट बी डैट दाउ लवेस्ट मी एज दाउ सेस्ट, और ये ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मुझसे प्यार करती हो जैसा तुम कह रही हो। क्यों? इफ इन दाइन माई लाइफ, अगर तुम्हारे अंदर मेरी जिंदगी होती, दाउ वेस्ट, तुम उसे वेस्ट नष्ट नहीं करते। दाउ आर द बेस्ट ऑफ मी, तुम जो है मेरे लिए सबसे अच्छी हो और मैं तुमसे बहुत ही प्रेम करता हूँ। ओके, क्योंकि तुम जो है मेरा बेस्ट पार्ट हो। ओके, सबसे बेस्ट हो तुम मेरे लिए, एंड तुम ही मेरी जो है जिंदगी हो और तुम ही मेरी आत्मा हो, इसलिए तुम अगर रोओगी तो मेरा जीवन जो है वह नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ कवि जो है सांत्वना देता है अपने प्रेमिका को। यहाँ जो कवि जो है अपने प्रेमिका को कहता है कि वह आहें ना भरे, वह ना रोए, क्योंकि उसके आहें भरने और रोने से जो है कवि का जो ब्लड है, जो खून है, उसकी जो जिंदगी है वह बर्बाद हो रही है। और कवि यहाँ यह भी कहता है कि यह नहीं हो सकता कि तुम उसे प्रेम करती हो जैसा तुम कहती हो, तुम में मेरी ज़िंदगी है, अगर ज़िंदगी है तो तुम उसे नष्ट ना करो, क्योंकि तुम मेरे लिए मेरी ज़िंदगी हो और मेरी आत्मा हो। ओके, अब फिफ्थ नंबर स्टेंजा में चलते हैं। इस स्टेंजा में कवि यह कहता है कि लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, यहाँ दाई का अर्थ योर हुआ, ये भी आर्केइक वर्ड है, फोर्थिंग में ये आर्केइक वर्ड है। ओके, लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट, तुम्हारा जो ये प्रोफेटिक हार्ट है, यानी फ्यूचर के बारे में जो तुम ऐसा सोच रही हो, तुम्हारा जो ये दिव्य हृदय दिल है जो मेरे बारे में बुरा सोच रहा है, डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, दाई मीन्स तुम्हारा, यह डेस्टिनी जो है यह भाग ऐसा ना हो कि तुम्हारा पार्ट, तुम जैसा सोच रही हो वैसा हो जाए मेरे साथ। एंड मे दाई फियर फुलफिल, और जो तुम्हारे अंदर डर है वह पूरा हो जाए। ओके, तो यहाँ जो है कवि जो है अपने प्रेमिका को ये कहता है कि वह ऐसा बिल्कुल ना सोचे, अगर बुरा सोचे कहीं बुरा हो मत जाए। बट थिंक डैट वी आर बट टर्न असाइड टू स्लीप,
लेकिन तुम ऐसा सोचो कि हम दोनों जो है एक ही बिछावन पर सोए हुए हैं और एक दूसरे से जो है वह मुंह मोड़े हुए हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में सोए हुए हैं, और बहुत जल्दी हम दोनों मिलेंगे। ओके, जब हम एक दूसरे की तरफ फिर मुड़ेंगे, सेम इसी तरह मेरा जो जाना है, ओके, मेरा जो डिपार्चर है वह परमानेंट नहीं है, वह टेम्प्रोरी सेपरेशन है, पल भर की जुदाई है। और यह सेम सेम सोने के जैसा है कि हम एक दूसरे से मुंह मोड़कर सोए हुए हैं। ओके, और फिजिकल सेपरेशन जो है यह कोई मायने नहीं रखता है, इसकी कोई जो है इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि जो सच्चे प्रेम करते हैं वह कभी जुदा नहीं होते, उनके आत्मा जो है, उनके स्पिरिचुअल्स जो हैं वो पूरी तरह से यूनाइटेड होते हैं, और इसलिए उसके प्रेमिका को जो है विलाप नहीं करना चाहिए। ओके, पोइट समझाता है अपने प्रेमिका को कि वह विलाप इसलिए न करे कि उसका जो है प्रेमी बाहर जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये लाइन मैं समझता हूँ समझ में आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट हम स्लाइड में देखते हैं, यहाँ से आप इसे पॉज करके आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ओके, यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, पोएम में दो चीज़ें होती हैं, एक पोएम का कंटेंट, पोएम क्या कह रहा है, एक पोएम जो लिखी गई है वो किस स्टाइल में लिखी हुई है। तो यहाँ पे हम देखें तो काफ़ी आर्केइक वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं, और यह पोएम जो है बिल्कुल क्लियर थॉट में है, लूसिड स्टाइल में है, बिल्कुल क्लियर है, और इसमें जो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं वो वर्ड्स डिफ़िकल्ट नहीं हैं, वह काफ़ी जो है आसान वर्ड्स हैं, और परफेक्ट इल्यूजन जो उदाहरण दिए गए हैं वह बिल्कुल परफेक्ट है। ओके, जिस चीज़ के लिए जॉन डन फेमस हैं, जैसे उनकी पोएम में जो है काफ़ी कम्प्लेक्सिटीज़ मिलती है, और इंटेलेक्चुअल कम्प्लेक्सिटीज़ यानी कहने का तो बौद्धिक स्तर पे काफ़ी सोचना पड़ता है, वो चीज़ इसके अंदर नहीं है, हार्डनेस नहीं है, ईजी है, और बिल्कुल ये लव पोएम है। ओके, और इसके अंदर बहुत ही स्वीट मेलोडी है, तीव्रता है, और यह पोएट के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्टिविटी उसको कहते हैं, बिल्कुल सिंपल है, और यहाँ पे पूरा लिरिकल है, एक सॉन्ग की तरह है। ओके, यहाँ पे कुछ आर्काइक वर्ड्स के लिस्ट हैं, आप इन्हें रोक कर देख सकते हैं। ओके, ओल्ड यूज एंड मॉडर्न वर्ड्स के जो यूज हैं यू कैन सी। ओके, तो मैं होप करता हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो। अगर इसमें कोई भी फिर भी प्रॉब्लम, अगर किसी लाइन के इंटरप्रिटेशन में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप बिल्कुल कमेंट करें और उस लाइन को मैं फिर से समझाऊंगा। ओके, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं, क्योंकि आपका जो कमेंट है वो मुझे एनर्जी देगा। आप लाइक करें और कमेंट जरूर करें, अगर कहीं प्रॉब्लम्स होती है, सजेशन होती है, तो आप सजेशन भी दें, मैं इसे दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा, और मैं हमेशा जो है तत्पर रहूंगा कि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आऊं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।